अबू भाई क्या कहना चाहेंगे, खास करके आपने एक पत्र दिया है उसके बाद बवाल मचा है और सामने राज्यसभा चुनाव है। देखिए, ढाई सालों में हमने कई एक पत्र दिया है। हमने ये सरकार बन का गठन हुआ था, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना थी, इन कॉमन यूनियन प्रोग्राम के तहत ये सरकार बनी थी, हमने सपोर्ट किया था। हमारे किसी लेटर का जवाब नहीं आया और हमसे जनता पूछती है कि भाई आप सेकुलर सरकार चलाते हो तो आज तक 5% रिजर्वेशन जो कांग्रेस और एनसीपी ने दिया था वो सत्ता में है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? आज जो है माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं बना? महाराष्ट्र राज कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन क्यों नहीं हो रहा है? उज्ज्वल अकेडमी क्यों नहीं बनाई गई? ये सारी चीजें जो है पेंडिंग है, जवाब नहीं मिल रहा था। अब मैं देख रहा हूं, अब जो है 2.5 साल के बाद ये जो है दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, एक तरफ शिवसेना है एक तरफ बीजेपी है, कि सबसे बड़ा हिंदुत्व कौन है, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर कौन चढ़ा था, किसने जो है वो मराठी बोल रहा था, उनको अब एक दूसरे लोग गर्व कर रहे हैं कि हमने ये किया। सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं कि क्या जो सरकार बनी थी कॉमन यूनियन प्रोग्राम में उस सरकार की नीति वही है या बदल गई है? कोई जवाब आए तो फिर हम कुछ तय करें। लेकिन होटल को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि भाई होटल में सभी को रखेंगे ताकि कोई टूटे नहीं। वो तो ऐसा होता ना कि जो लोग बागी होते हैं जिसे डर होता है भाग जाएंगे, उनको होटल में रखा था। मेरे पास घर यहाँ, मेरे पास कुछ होटल है और मैं एक बधुआ मजदूर हूँ, मैं किसी का बाधा हुआ नहीं, मैं किसी होटल में जाऊँ, मैं और मेरा MLA हम लोग किसी होटल में जाने वाले नहीं, हम आजाद पंछी हैं।